डेथ ऑफ द पार्टनर लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ टीएस गरेवाल का. टीएस गरेवाल क्वेश्चन नंबर 27, ये देख लेते हैं. ये हमें गिवन है साधु राजा एंड करण आर पार्टनर्स, और हमें बैलेंस शीट गिवन है, रेशियो गिवन है 4:2:4. चेक कर लेते हैं किसकी डेथ हुई है. साधु डाइड ऑन 31 जुलाई, और ये सारी एडजस्टमेंट हमें गिवन है. दैट मीन्स हमें साधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले साधु के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं. साधुस कैपिटल अकाउंट. तो साधु का कैपिटल अकाउंट हमने फॉर्मेट बना लिया है. सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका कैपिटल का बैलेंस पुट करना है. तो उसके कैपिटल का बैलेंस हमें गिवन है साधु का 80,000. उसे पुट करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000. हमने बैलेंस पुट कर दिया. अब रिजर्व्स देख लेते हैं, कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है बैलेंस शीट में. रिजर्व हमें गिवन है 10,000. रिजर्व में से साधु का शेयर निकाल के लिखेंगे. और एक इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, साधु का लोन गिवन है हमें. अगर जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका लोन हमें गिवन है, तो उसे हमें उस अकाउंट में पुट करना है. राइट में है तो लेफ्ट में, लेफ्ट में है तो राइट में. ये ईजी तरीका है याद रखने का. अगर लोन राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा. हम लोन पुट कर देते हैं. टू साधुज लोन, हमें लोन गिवन है 20,000. तो टू साधुज लोन आ जाएगा 20,000. जनरल रिजर्व पुट करेंगे बाय जनरल रिजर्व, बट जनरल रिजर्व में उसका शेयर निकाल के पुट करेंगे. 10,000 × 4/10, जनरल रिजर्व आ जाएगी हमारी 4,000. ये हमने पुट कर दिया 4,000. अब हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं. पहले तो हमें बैलेंस शीट की ही चीज़ों को पुट करना होता है. सो गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. लास्ट में हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट है 55,000. तो पहले हम गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी. गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं. 2 ईयर्स परचेज है तो गुडविल हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू 2. दैट मीन्स 55,000 इंटू 2. ये वैल्यू आ जाएगी 1,10,000. अब क्या करना है, इसमें से जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकालना है, सेम जैसे हम रिटायरमेंट में करते थे. 1,10,000 × 4/10, ये आ गई 44,000. अब इसे बांटते भी हम गेनिंग रेशियो में हैं, पर जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हटा दोगे. रेशियो है हमारा 4:2:4. साधु जा रहा है तो बचा 2:4. इसे सॉल्व करोगे तो 1:2 आ जाएगा. दैट मीन्स 44,000 को हमें 1:2 में बांटना है. अब हमें दिख ही रहा है कि पॉइंट्स में आएगा, पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 44,000 × 1/3, 44,000 × 2/3, राइट. तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 4 × 12 आएगा, 6 × 18, ये आ जाएगा 1,4,6,6,7. इसे सॉल्व कर लेते हैं. मैंने यहाँ अपने आप 3 कर दिया है, वैसे 4 आएगा क्योंकि देन मैच नहीं होगा वो. 29,333. तो इसे हम पुट कर लेते हैं. बचे हुए पार्टनर्स के नाम से पुट करोगे. नाम देख लेते हैं क्या है. राजा एंड करण. सो हम पुट करेंगे बाय राजाज कैपिटल अकाउंट. वन फोर सिक्स सिक्स सेवन बाय करंस कैपिटल अकाउंट. ये हमने गुडविल पुट कर लिया है डिजीज पार्टनर की. अब चेक करते हैं और क्या गिवन है हमें.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये एग्जाम में एमसीक्यू में भी आने के बहुत चांसेस हैं, जो हमने शॉर्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, अब लॉन्ग में भी हम इसे पुट करेंगे। साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर वॉज 4,50,000 एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई वॉज 2,70,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,25,000। मैंने आप लोग को बताया था जब भी प्रॉफिट और सेल गिवन होगा तो हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे प्रॉफिट और दूसरी तरफ हम लिखेंगे सेल्स। पूरे साल की सेल है हमारे पास 4,50,000, दूसरी सेल है 2,70,000। प्रॉफिट को पूरी साल की सेल के सामने लिखना है, ये समझ लो जो वैल्यू बड़ी है उसके सामने लिखना है। तो प्रॉफिट हम 4,50,000 के सामने लिखेंगे 1,25,000। अब हमें ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, राइट? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन सेल, प्रॉफिट अपॉन सेल। तो ये आ जाएगा 1,25,000 अपॉन 4,50,000। इसे सॉल्व कर लेते हैं, पूरा आंसर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना क्लोज आंसर निकाल सकें हम। ये आ गया 5/18, इसे सीधा सीधा यहीं मल्टीप्लाई कर दो 5/18, पूरा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, आंसर अपने आप आ जाएगा। 9 2 18, 9 3 27, 15,000, 15 × 5, 75,000 आ गया हमारा प्रॉफिट। फॉर्मूला लगाया है प्रॉफिट अपॉन सेल, जो आया उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रॉफिट आ गया 75,000। अब इस प्रॉफिट में से उसका शेयर कैलकुलेट कर देंगे इंटू 4/10। ये वैल्यू आ जाएगी 30,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट, इसे पुट करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये आ गया 30,000। अब टोटल कर लेंगे इसका, सो 80 + 44 ये हो जाएगा 1,24,000 + 4 1,28,000 + 30 1,58,000, है ना? अब 1,58,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साधुस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, माइनस कर दोगे ये वैल्यू आ जाएगी 1,38,000। एक एडजस्टमेंट शायद रह गई है हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, वो जुलाई में उसकी डेथ हुई है तो अप्रैल मई जून जुलाई वो कैलकुलेट करके फिर दोबारा आंसर निकालेंगे अब हम। सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका कैपिटल है 80,000, इंटरेस्ट 5% निकालना है और हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन और प्रॉफिट्स में मंथ लगने हैं तो मंथ लगाएंगे। अकाउंट शुरू हुआ अप्रैल में, उसकी डेथ हुई जुलाई में, सो अप्रैल से जुलाई कितने मंथ्स होंगे हमारे पास? 4 मंथ्स होंगे, इंटू 4/12। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये पॉइंट्स में आएगा 4,000 upon 3, 1,333। इसे भी पुट कर लेते हैं हम अपने अकाउंट में, ऐड कर देंगे वहाँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,333। तो टोटल हो जाएगा हमारा 1,59,333। है ना? यहाँ भी टोटल सही कर लेते हैं हम। ये आएगा 1,59,333 और हमारा आंसर आएगा 1,39,333। ये हो गया हमारा बैलेंस। इजी क्वेश्चंस है कंपैरेटिवली एडमिशन रिटायरमेंट से, तो बहुत इजी चैप्टर है ये और आएगा भी 4 मार्क्स में फॉर श्योर, तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।